और पार्टी में चूंकि भगदड़ शुरू हो गई, विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, तो डर के मारे ललन सिंह बयान दे रहे कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। अरे आपने बयान थोड़ी दिया था, आप कौन है? राष्ट्रीय जनता जनता दल यू के अंदर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन जनता दल का मतलब नीतीश कुमार होता है, और नीतीश कुमार ने ऐलान किया था, तो नीतीश कुमार बताए कि आपने ऐलान किया था कि नहीं किया था, आपने कहा था कि नहीं कहा था कि मेरे उत्तराधिकारी। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जदयू और आरजेडी आमने सामने हैं। बता दें कि कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुले मन से यह कहा था कि आगे चलकर बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। हालांकि इस पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने विराम लगा दिया। ललन सिंह ने कहा कि ऐसा कुछ भी नीतीश कुमार की ओर से नहीं कहा गया था। अब विपक्ष को ऐसे में मौका मिल गया, विपक्ष के तरफ से भाजपा के वरिष्ठ नेता सह राज्य सभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने हमला बोलते हुए नीतीश कुमार और जदयू पर कहा कि नीतीश कुमार यह बयान दें कि हमने जो कहा था वह गलत है, सार्वजनिक तौर पर नीतीश कुमार को सामने आना चाहिए। ललन सिंह कौन होते हैं इस पर बयान देने वाले, हम पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का। ये कल ललन सिंह ने जो बयान दिया, और ललन सिंह ने ये कहा कि हमने कभी भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। ये ललन सिंह कौन होते हैं बयान देने वाले? ये बयान तो नीतीश कुमार ने दिया था, और दिसंबर में जब विंटर सेशन शुरू हो रहा था उसके पहले विधानमंडल दल की जो बैठक हुई, उस बैठक में नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि तेजस्वी मेरे उत्तराधिकारी होंगे, 2025 के चुनाव का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। और कल ललन सिंह कह रहे हैं कि ये बात सही नहीं है, तो अगर हिम्मत है नीतीश कुमार की तो वो ऐलान करे कि मैंने गलत बयानी की थी, मैं अपने बयान को वापस लेता हूँ। तो 3 महीना पहले नीतीश कुमार ऐलान करते कि मेरे उत्तराधिकारी होंगे, और पार्टी में चूंकि भगदड़ शुरू हो गई, विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, तो डर के मारे ललन सिंह बयान दे रहे कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। अरे आपने बयान थोड़ी दिया था, आप कौन है? राष्ट्रीय जनता जनता दल यू के अंदर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन जनता दल का मतलब नीतीश कुमार होता है, और नीतीश कुमार ने ऐलान किया था, तो नीतीश कुमार बताए कि आपने ऐलान किया था कि नहीं किया था, आपने कहा था कि नहीं कहा था कि मेरे उत्तराधिकारी होंगे, आपने कहा था कि नहीं कहा था कि 2025 के चुनाव का नेतृत्व करेंगे तेजस्वी यादव, और फिर एक बार पलट के अपनी बात से। अब तो राष्ट्रीय जनता दल को विचार करना है कि जो समझौता हुआ था उस समझौते से नीतीश कुमार अगर पलट रहे, क्योंकि तेजस्वी ललन सिंह के बयान का कोई महत्व तो नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार बयान दे कि मैंने कोई ऐसी घोषणा नहीं की थी, अगर की थी तो गलती थी, और 2025 में नेतृत्व जो है वो नहीं करेंगे, मैं स्वयं नेतृत्व करूँगा। नहीं तो बताएं ललन सिंह कौन करेगा नेतृत्व? गोल मटोल बात बोल रहे हैं कि अभी तो 2024 है, 2025 आएगा तब देखा जाएगा, तो गोल मटोल बोल रहे हैं। तो इसे देखिए, 2025 को तो किसने देखा, 2024 में ही इनका सफाया हो जाएगा। और नीतीश जी ने एक समय में कहा कि बीजेपी 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, और फिर कह रहे कि 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, तो कम से कम उन्होंने 50 से बढ़ाकर बीजेपी को 100 तो कर दिया। इसलिए ललन सिंह के बयान का कोई अर्थ नहीं है, बयान दे नीतीश कुमार, और राष्ट्रीय जनता दल के जगता बाबू बताएं कि जो ललन सिंह ने कहा वो सही है क्या? क्या फैसला हुआ, क्या निर्णय हुआ है, क्यों डर गए, घोषणा करने के बाद क्यों पलट गए? तो जगता बाबू को आगे आकर इसका खुलासा करना चाहिए, क्योंकि स्वयं जगता बाबू ने टीवी चैनल को नवंबर में कहा था कि मार्च के प्रारंभ में 2023 के प्रारंभ में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगी और नीतीश जी त्यागपत्र देकर केंद्र की राजनीति करेंगे। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा, बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने कई बार इस बात को दोहराया और कहा कि तेजस्वी यादव आगे चलकर बिहार का नेतृत्व करेंगे, इस पर ललन सिंह और साथ ही साथ राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने भी खारिज करते हुए कहा कि आगे का नेतृत्व जो है वह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिस तरह से बिहार की राजनीति में इन दिनों जदयू बैकफुट पर आ गई और तब जदयू का सुर जो है वह बदलता दिख रहा है, क्या आगे जदयू जो है 24 और 25 का चुनाव किस
तर्ज पे या किस आधार पे, किस बेसिस बेस पर जो है वो चुनाव लड़ेगी, यह तो समय तय करेगा। जिस तरह से महागठबंधन में अभी फूट देखी जा रही है, खास तौर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री को लेकर, तो आगे सब कुछ जो है भविष्य तय करेगा। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोर नेशन के साथ, सहयोगी आकाश के साथ, न्यूज़ फोर नेशन पटना।